सत श्री अकाल, मैं हरप्रीत कौर, तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करांगे अज दी हेडलाइंस दे नाल। 12 तो लेके 3 बजे तक किसानां ने कीता चक्का जाम। सैलर यूनियन दे आगू भी किसानां दा दे रहे ने साथ। नहीं हो रही झोने दी खरीद, ना ही हुई लिफ्टिंग। किसानां दे हक च बोले राजा वडिंग, कहा मंडियां च रुल रहे ने किसान। पंजाब सरकार ने समय सर नहीं दिता ध्यान। किसानां वल्लों 3 घंटे बंद नूं लै के ट्रक चालक ते किसान होए आमो सामने। ट्रक चालक ने लाए इल्जाम, मौके ते पहुंचे पुलिस। भुपिंदर हुड्डा ते भड़के किसान लीडर, कांग्रेस दे हक च असी बनाया सी माहौल, पर हुड्डा ने नहीं दिती किसान लीडरां नूं टिकट। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। जिथे पूरे पंजाब दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों 12 तो लैके 3 बजे तक वड्डे पद्धर ते अपनियां मंगां नूं लैके मुखा ते छोटियां सड़कां जाम कीतियां गईयां ने, उत्थे ही श्री मुक्तसर साहिब दे विखे भी किसान जथेबंदियां ते सैलर यूनियन दे आगूआं वल्लों किसान यूनियन दा समर्थन दे के मुक्तसर कोटकपूरा मुख मार्ग जाम कीता गया सी। पूरे पंजाब दे विच संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों 12 तो लैके 3 बजे तक वड्डे पद्धर ते अपनियां मंगां नूं लैके मुखा ते छोटियां सड़कां जाम कर दित्तियां गईयां। उत्थे श्री मुक्तसर साहिब विखे भी किसान जथेबंदियां ते सैलर यूनियन दे आगूआं दे वल्लों किसान यूनियन दा समर्थन दे के मुक्तसर साहिब कोटकपूरा मुख मार्ग नूं 12 तो लैके 3 बजे तक पूर्ण तौर ते बंद करन दा ऐलान कीता गया। जिन्हां दे विच किसानां दीआं मुख मंगां ने कि पंजाब दीआं मंडियां दे विच ना ही तां झोने दी खरीद हो रही आ अते ना ही लिफ्टिंग कीती जा रही आ, इत्थे खज्जल खुआर किसानां नूं कीता जा रहा। इस मौके दे उत्ते गलबात करदिआं किसानां ने की कहा, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। देखो जी, जिहड़ा इह अज्ज रोड जाम करन दा प्रोग्राम बणिआ है, इह किसानी दी मारू नीतियां दे खिलाफ है। जो उत्तों झोने दा सीजन है, पहला तां गर्मी ने सताए, जे कोई झोना होया तो सरकार ने ना तो झोने की खरीद का कोई प्रबंध किया, ना झोने की कोई लिफ्टिंग का प्रबंध किया, ना झोने की कोई स्टोरेज का प्रबंध किया। इतों तक नहीं नाल हुण असी झोने की कटाई करके तो कणक की बिजाई करनी है, सरकार को साडे वास्ते डाई यूरिया का भी प्रबंध है नहीं। ये वड्डियां मुश्किलां हैं। इन्हां मुश्किलां के मद्देनज़र सरकारां ने इन्हें तो अलाट करता भी, सरकारां नूं कहता दवा दा थले मुलाजमान नूं भी परचा दे दो, जिहड़ा भी बंदा पराली जलाउंदा है। ते असीं कदों पराली जलाउणे आ? असीं तां इन्हां नूं बिनत करदे आ भी तुसीं साडी पराली चुक लो, असीं आपदा वाहन बीज लईए। वाहन बीजण वास्ते सानूं जिहड़ी डाई मोणियां दी बहुत ज़्यादा लोड़ है। जे कितें एक दो लाट आए भी है, उह डुप्लीकेसी आई है, उहदे ते भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस मजबूरी वास्ते सानूं आ शॉर्ट टर्म दा जिहड़ा धरना समुचे पंजाब दे विच इस रोस वजों देना पिया, जिहदे विच सारियां जथेबंदियां ने शमूलियत। ये धरना कल परसों की मीटिंग सी साडी SKM नाल, और उन्हां नूं ये दिक्कतां आ रही सी, जिहड़े कह रहे सी भी शैलर वाले दिक्कत लिया रहे हैं। साडी असी उन्हां नूं गल क्लीयर कीती भी साडा कोई दिक्कत नहीं, ते उहदा सानूं इस गल दा इक समूह बना के भी जे थोड़ा झोना सरकार परचेज करती है, जे उन्हां कोल स्पेस है नहीं गी झोना रखने लिए, असी आपदे शहरां दे विच झोना बिना एग्रीमेंट तो लवाउण लई तैयार है। उहदे बारे SKM ने अज 13 तरीक दा 12 तो 3 दा धरना मारिया सारे पंजाब दे विच, और बहुत जल्दी इहदा अगां उह कारवाई जिहड़ी करनी है उह दस्सणगे। इहदे बारे कहना चाहुंदे जो संयुक्त मोर्चे की चंडीगढ़ के मीटिंग हुई, आर्ट एसोसीएशन शैलर मालक होर मजदूर यूनियन सारिया जथेबंदियां इकट्ठिया होकर उन्होंने जो कॉल दी अज 13 तरीक की, असी उन्होंने कॉल के उत्ते फुल चढ़ाते हुए सारे पंजाब दे विच सारे चौंकों के विच साडे थां थां ते धरने चल रहे हैं। 3 घंटे का साडा प्रोग्राम है। दस दें कि किसानों का कहना है कि इतने सरकार के वलों पराली की सामभ संभाल के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया, जिसनों लैके 3 घंटे का पूर्ण तौर पर चक्का जाम किया जा रहा। उपरों किसानों की फसल जी मंडिया के रुड़ रही है, जाने कि झोना जोड़ा उत्तर मंडिया के पे आ उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही, इतों तक कि किसानों खज्जल खुआरी का सामना करना पै रहा। देखना होगा कि आने वाले समय के पंजाब सरकार के वलों कदों तक किसानों दंगों पूरा किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। अज सारे पंजाब दे विच किसान आड़ ते शैलर वाले धरना लगा रहे ने, क्योंकि किसान मंडियां दे विच रुणन दे लई मजबूर होए पए ने। जिथे कि चौलां दी जे गल करिए तां उह परचेज नहीं हो रहे। दस दे कि राजा वडिंग हुण किसानां दे हक दे विच बोले ने, जिथे कि उन्होंने कहा कि जेकर समय सिर सरकार वल्लों इस वल ध्यान दिता जांदा तां शायद अज किसानां नूं आड़तियां नूं आ दिक्कतां नहीं आउणियां सी। राजा वडिंग ज
जिन्हां ने कि हुण किसानां दे हक दे विच इक बयान दे दिता। उन्हां ने अपने फेसबुक पेज से पोस्ट सांझी करदिआं आख्या कि इत्थे सारे पंजाब दे विच किसान आड़तीए शैलर वाले धरना देण दे लई मजबूर होए पए ने, क्योंकि किसानां दा झोना जिस नूं परचेज नहीं किया जा रहा, जिस कारण किसान मंडियां दे विच रुल रहे ने। उपरों सैलर वाले माल लगवाउण दे लई राजी नहीं, क्योंकि शैलर वालियां दा कहना है कि पिछले साल दा माल लगवाउण लई जिहड़ा असीं चावल देना सी सरकार नूं अजे तक उह साडे कोल पिआ ते हुण अगली जगह साडे कोल नहीं है अते हुण असीं चावल कित्थे लगाईए, जिस नाल असीं डिफॉल्टर हो जावांगे। हुण राजा बड़िंग ने पंजाब सरकार ते इस नूं लै के तंज कसिआ ते कहा कि जेकर समय सिर सरकार इस दे वल ध्यान दिंदी तां इह दिक्कत कदे भी नहीं आउणी सी। होर की कुछ कहिंदे ने राजा बड़िंग, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां। अज सारे पंजाब दे विच किसान आड़तिया ते किसान आड़तिया ते शैलर वाला धरने ला रहा है। सो वो धरने क्यों ला रहा है, तुसीं सारे जानते हो कि परचेज नहीं हो रहा माल और किसान मंडिया च रोल रहा है और जिहड़ा शैलर वाला वह माल नहीं लवा के राजी। उहदा कारण है शैलर आले साथी कहंदे ने कि भई पिछले साल दा माल लाउण वास्ते चावल जिहड़ा असीं देना है सरकार नूं उहदे वास्ते हजे तक वह साडे कोले पिआ है ते अगली जगह असीं चावल कित्थे लावांगे और असीं डिफॉल्टर हो जावांगे। मुख्यमंत्री साहब ने समय सिर ध्यान नहीं दिता सरकार ने, नहीं तां पहलां इह 3 महीने ध्यान देना चाहिदा सी जिहड़ा माल चावल पीड़ के लाया शैलर आले ने सरकारी। पेस है नहीं, बीजेपी पार्टी जानबूझ के उन्होंने स्पेशलां नहीं लाईआं, वो जिमीदारां नूं निराश करना चाहुंदी है, पंजाब दे किसान नूं निराश करना चाहुंदी है कि हौली हौली वो झोना लाउण ना लाया करन, क्योंकि असीं चावल नहीं चकने, असीं कणक नहीं चकनी। इन्हां ने कोई उत्ता नहीं किया, मैं हमेशा कहना अनजान सरकार है, कोई उत्ता नहीं किया। दिल्ली जाके मुख्यमंत्री साहब मिलते स्पेशल लवाउंदे, हजे भी जाना चाहिए। हुणे पिछे जे मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग हुई सी शैलर आलिया नाल, आड़तियां नाल, किसानां नाल, किसान की तो फसल चकनी चाहिए है, इस तो मतलब कि हुण जिहड़ी फसल पाल ली है उहनूं चकेगा कौन। किसान आड़तिया ते शैलर आलिया ने 12 बजे पूरे पंजाब विच धरने रखे हैं। सो मेरी बेनती है, असीं भी 4 दिन का अल्टीमेटम दिंदे हां पंजाब सरकार नूं कि अगर ये कोई हल नहीं होया तो फिर वड्डे पद्धर ते पंजाब कांग्रेस सारे थावां ते जिला स्तर ते धरने ला के और फिर खुराक भवन दे चाहे बाहर लाउणा पवे, चाहे मुख्यमंत्री दा घरा हुण करना पवे, वो सारे जाने असीं कांग्रेस पार्टी दे लोग ये काम करांगे। दस दे कि राजा बड़िंग ने कहा जेकर जल्द कोई हल ना होया तां वड्डे पद्धर ते पंजाब कांग्रेस दे वल्लों धरने लगाए जाणगे। ब्यूरो रिपोर्ट। मंडियां दे विच झोने दी खरीद ना होण करके अज SKM वल्लों 3 घंटे बंद दा ऐलान कीता गया सी, जिस नूं लै के पूरे पंजाब दी वख-वख थावां ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों सारियां सड़कां रोड जाम कर दित्ते गए सन। पर इस दौरान जेकर गल करिए लुधियाणा दी, तां लुधियाणा दे विच जदों किसानां ने सड़कां जाम कीतियां तां आम लोकां दे नाल किसान भिड़दे होए नज़र आए ने, जिथे कि आम लोकां ने किसानां ते इल्जाम भी लगाए ने। मंडियां दे विच झोने दी खरीद ना होण करके अज SKM वल्लों 3 घंटे लई बंद दा ऐलान कीता गया। दस दे कि पंजाब दे वख-वख थावां दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों रोड जाम कीते गए ने, जिथे कि आम लोकां नूं खज्जल खुआरी दा सामना करना पिया। इसे दौरान जेकर गल करिए लुधियाणा दे शेरपुर चौंक दी, तां उत्थे आम लोकां दे नाल किसान आमो सामने हो गए, जिथे कि इक ट्रक चालक ने किसानां ते इल्जाम लगाए ने। उत्थे इक नौजवान होर भी मौजूद सी जो काफी गुस्से दे विच नजर आया। सामने लगे हुए ठीक है, इतने रेस्ट किस चीज का लाना, फिर जे धरना लाना तो सड़क से लाओ, जिसे पास लाओ, हॉस्पिटल सामने लाना है, किस चीज का फिर किसान ने अपने दिखाने भी किसान है, अपने लोगों की सेवा करते हैं, सेवा की है मुख्यमंत्री सामने आओ, प्रधानमंत्री सामने आओ, इतने लोगों की करते हो, वोटा पाई अस्सी वोटा पाई इन्हों जिन्होंने पैसा लिता उन्होंने को इस मौके दे उत्ते जदों गलबात कीती किसानां दे नाल तां उन्हां ने कहा कि मंडियां दे विच झोने दी खरीद नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही, जिस दे चलदिआं अज पूरे पंजाब दे विच 3 घंटिआं लई सड़कां जाम करन दे लई कहा गया सी। नैशनल हाईवे इसलिए जाम कीते ने, साडा 20 दिनां तों मंडियां दे विच झोना रोल रिहा जी, किसानां दा झोना रोल रिहा, सरकार बिलकुल नहीं उहदे लई
खरीद खरीद कर रही ना कोई बोली लग रही है, 20 दिन तो किसान परेशान हो रहे हैं मंडियों के। लगता है कि सर एम्बुलेंस भी फसियां हुई है, कितना कितने लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं, कितने ना कितने लगता नहीं बह के गल की जाए। तो सरकार को चाहिए जी, मीटिंग हुई है, मीटिंग के ना मनन करके किसान संयुक्त मोर्चे ने सानू कॉल दी है रोड जाम की, असी कला रोड ये नहीं जाम किया, पूरे पंजाब के रोड जाम है, वो कढ़ा रहे हैं जी। असं देखो एम्बूलेंस रास्ता जरूर छड़ रहे हैं, एम्बूलेंस लिए किसी का मरीज आ, किसी ने एयरपोर्ट से जाना, असं रास्ता हाथ जोड़ के निमित्ता सहित भेज रहे, वो कढ़ा रहे हैं जी, नाल दी नाल पांच सत्त गड्डियां कढ़ा के नाल इस एम्बूलेंस कढ़ा। लुधियाने लोडोवाल टूल प्लाजा, अपने कलाल टूल प्लाजा, समराला रोड से चंडीगढ़ रोड हाईवे पर कला गढ़ी का पुल, अपने माछुवाड़ा रोड रोपड़ रोड जाम लगा। देखो जी हम तक मंगा मंगाने की खातर जाम ही लाने पे ने, 2020 तो 21 तक की करना, अपने अर्ग खज्जल खुआर की जे पब्लिक पूरा साथ दे देवे तो सरकार अपने आप ही झुक जाएंगे। ये सरकार झुकन की खड़े सारा कुछ कर रहे हैं, जो किसानों सारी पब्लिक साथ दे देवे किसानों तो सरकार मनाने तो आप एक घंटे के मना सकते हैं। एम्बूलेंसा कढ़ा रहे हैं जी सारियां, सारा लगे हुए बंदे नाल कढ़ा के छड़ांगे जी, जरूर कोई यह जहाँ किसी नाल कोई यह जे धक्के साए नहीं करते, असीं आप खुद हाथ जोड़ के एम्बूलेंस किसी ने मरीज ने एयरपोर्ट ते जाना असीं आप भेज रहे हैं। उत्थे इस मौके दे उत्ते पुलिस अधिकारी ने जानकारी दिंदिया की कहा इस मामले नूं लै के, आओ तुहानूं सुणाउंदे हां उहनां दी सुबानी। किसान यूनियन कोई हैगा 12 to 3 बंद दा, उहदे संबंधी शांतमई गड्डियां कढ़ा रहे, कोई एमरजेंसी गड्डी होंदी कढ़ा दी दी आ, ते बाकी शांतमई चल रहा जी। ठीक है, एक सर गड्डिया वाले ना कई बहस भी हो रही है किसानों की? नहीं चलो बहस तो माड़ी मोटी हो जाती है, पर कोई गल नहीं, कोई इदा की कोई गल नहीं है, माड़े वधिया लोग ने मन जाए। टिप्पर चालक ने कहा मेरे ब्रदर नूं चौंकी च ले जाया गया, मेरी गड्डी दा जिहड़ा शीशा भी तोड़िया ते मेरे नाल धक्का चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ओहदी गलती सी, ओहदी गलती सी, उहने एवें उहनां नाल बदतमीजी करके गड्डी लंघाउण दी कोशिश कीती, कोई इदा दी गल नहीं है। उहनां ने कहा मेरी चाबी भी पुलिस वाले आ गए ते मेरा ब्रदर चौंकी च लै गया। नहीं नहीं इदा कोई गल नहीं, सारिआं दे विच धरने दे विच गड्डी लगी, ओह स्पैशल नहीं लाई, कोई इदा कोई गल नहीं। ओके, कोई उहनां चौंकी च लगे हो ब्रदर नूं? ओह इत्थे कोई गल नहीं, इत्थे बैठे ने गड्डी दे विच बैठा, चौंकी कादे वास्ते खड़ना नूं, कोई कोई इदा मैटर नहीं। दस दईए कि अज पूरे पंजाब दे विच सड़कां जाम कीतीआं गईआं सन, जिथे कि कई थावां ते किसानां दे नाल आम लोक भिड़दे होए नजर आए ने, पर देखणा तां हुण इह होवेगा कि इस 3 घंटे दे जाम तों बाद की सिट्टा निकल के सामने आंदा कि पंजाब सरकार किसानां दीआं मंगां पूरीआं करदी है जां फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा के सबका सीएम भुपिंदर हुड्डा ते किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी दे वल्लों गुस्सा कढ़िया गया, जिथे कि गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि हरियाणा च कांग्रेस के हक च माहौल असी बनाया सी। उत्थे चडूनी ने कहा कि पर हुड्डा ने किसानां नूं टिकट नहीं दिती, उन्होंने नाल ये भी कहा कि जेकर मैनूं टिकट नहीं देनी सी तां ना दिंदे, किसी होर किसान लीडर नूं टिकट दे दिंदे। हरियाणा के सबका सीएम भुपिंदर हुड्डा ते किसान लीडर गुरनाम सिंह चडूनी दे वल्लों गुस्सा जाहिर किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान गुरनाम सिंह चडूनी ने हरियाणा विधानसभा चोणां ते प्रतिक्रिया दिंदे हुए कहा कि मौजूदा हालातों का मुख्य कारण भुपिंदर हुड्डा ने, उन्होंने कहा कि चोणां दे विच किसी भी किसान लीडर नूं टिकट नहीं दिती गई। उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा कि जेकर मैनूं टिकट नहीं देनी सी तां किसी होर किसान लीडर नूं टिकट दे सकते सी। इस मौके दे उत्ते गुरनाम सिंह चडूनी जिहड़े ने ओह भुपिंदर हुड्डा दे उत्ते गुस्सा कढ़दे होए नजर आए ने, की कह रहे ने अपने बयान दे विच आओ सुनदे हां। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है भुपिंदर हुड्डा। मैंने चुनाव से बहुत पहले कहा था कि भुपिंदर हुड्डा कांग्रेस का सत्यानाश करेगा, और उसका कारण ये था, उसके तथ्य थे उसके पीछे, इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले तो उसने लोकसभा के अंदर हमें एक टिकट देने का वादा किया था, बाद में मुकर गया। चौटाला को एक टिकट देता तो 9 सीटें लोकसभा में उसकी आती, उसके बाद अब विधानसभा की बात थी, तब भी जो है उसने हालांकि मेरे साथ गद्दारी की थी, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले, लोकसभा के चुनाव से 2 दिन पहले उसने मेरे को फ़ोन किया कि मेरा रोहतक सीट पर समर्थन कर दे, हालांकि सारे हरियाणा का मांगना चाहिए था उसको, लेकिन उसने केवल रोहतक सीट का मांगा और हमने रोहतक सीट पे उसका समर्थन किया दीपेंद्र हुड्डा के लिए। मैंने अपना लड़का भेजा, अपना स्टेट प्रधान भेजा, और जाके वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका समर्थन किया। उसके बावजूद जब ये चुनाव आए तो इसमें जिन लोगों ने उसका समर्थन करवाया था वो वहीं की एक टीम थी जो मेरे पास आई थी, तो वही अब उनके पास गए कि एक टिकट इनको दे दो, इनकार कर गया। ऊपर वाले सारे जिसने
राहुल गांधी ने ये इशारा किया था कि किसान लीडरों को प्रेफरेंस दें, और वाड्रा ने, प्रियंका ने, इन्होंने भी कोशिश की कि हाँ अगर इनको टिकट देंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। अब चडूनी साहब खुद कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ हो रहा है, खाने के कुछ हो रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ हवाबाजी करती है किसानों के लिए। ठीक, किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सब फसलों पर MSP मिलनी शुरू हो गई है, और यही नहीं, क्रॉप इंश्योरेंस देनी शुरू कर दी, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। तो किसानों की चिंता कर रही है वहाँ की सरकार और भारत सरकार, और यही कारण है कि इस बार किसानों ने भी हमको वहाँ पर वोट दिया। दस दिए कि लगातार पार्टियां एक दूसरे से तंज कसदी नजर आउंदियां ने। उत्थे गुरनाम सिंह चडूनी ने अपना गुस्सा भुपिंदर हुड्डा ते कढ़िया, पर इत्थे नाल दी नाल जे गल करिए भाजपा आगू RP ने भी इसका जवाब दिता। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय राज मंत्री रमनीत बिटू की लुधियाना च प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिस दे विच कि किसान लीडर समेत पंजाब सरकार ते उन्होंने निशाना साध्या। दस दे कि इस मौके उत्ते रमनीत बिटू ने सीधे तौर पर कह दिता कि पंजाब सरकार दे नाल एक किसान लीडर रले हुए ने। लुधियाना दे विच केंद्रीय राज मंत्री रमनीत बिटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दे विच उन्होंने पंजाब दे विच लॉ एंड आर्डर की स्थिति अते किसानां दी झोने दी लिफ्टिंग नूं लैके गलबात कीती सी। उधर रमनीत बिटू ने किसान लीडरां ते भी वड्डा हमला बोलिया। उन्होंने कहा कि किसान लीडर जिहड़े ने पंजाब सरकार दे नाल मिले हुए ने अते इह गुंडागर्दी करदे ने। इत्थों तक कि उन्होंने कहा कि इलैक्शनां दे दौरान कई पिंडां दे विच मैं जदों गया सी तां किसान लीडरां वल्लों उन्हां दे बूथ नहीं लगन दित्ते गए सन। बिटू ने सीधे तौर पे पंजाब सरकार ते किसान लीडरां ते इल्जाम लगाए ने। की कहंदे ने, आओ सुनांदे आ। मैं बिल्कुल, मैं दोबारा स्पष्टीकरण दे दां, मैं क्लीयर कर दां गल भी मैं कदे भी किसान शब्द ना वरतिया। मैं किसान लीडर जिन्हां दा सूपड़ा साफ हाल देखिया ना, इत्थे की सी आ पार्लीमेंट दी सीट ते, मैं अपनी ते दस दिना लुधियाने च असी 3 लाख तो उत्ते वोट ली आ 6 हल्कियां सर। यह किसान लीडर ने जेडे 4-5 सी, इन्होंने सानू वो पिंडां च नहीं जान दिता जिते 850 दे उत्ते बूथ नहीं लगे। तो की साडा हक नहीं बनता भी असीं वो किसान लीडर नूं उन्हां नूं नंगा करिए भी उन्हां दा सच की है। तो अज जदों वो पंजाब च भी खड़े सी, सत्कारयोग ने, खैर उन्होंने वो कदे भी SKM जिहड़ी दूजी, उन्होंने सानू कदे भी असी तानू मेहनी चाहे गल्लां जो मर्जी करिए, पर कदे भी वह साढ़े जाती हमले, मतलब की कहना, एक दूजे नू मार कुट करपाना कढ़ के उस लैवल ते कदे नहीं आए। ये तो गुंडे ने, इन्हां दी तुसी की गल करदे हो, जिहड़े तुसी जिन्हां दा नां लै रहे हो, उन्हां ने जो पंजाब दा नुकसान कराया। अज भाई साहब सेंटर गौरमेंट वल्लों, फिर मैं मीडिया नूं दसदा, सारे पंजाबियों नूं, किसानों नूं दस देवां, अज 44,000 करोड़ रुपया MSP का, अज महीना हो गया MSP 44,000 करोड़ रुपया पंजाब सरकार दे खाते च पैसा आ चुका है। बेहाल किसान ते आ लीडर, जिहड़े किसान लीडर कहाउंदे आ, अज 44,000 करोड़ रुपया तुसीं दे दोगे जी? आ जिहड़ा रोज़ मंडियां च अज किसान होना की है, होना की है? ये अज किसान जिहदी तुसीं गल करदे हो ना, अज लीडर उन्हां दी भरपाई करनगे? अज उन्हां दी काट लग लग फसल सब दी चक्की जानी आ, ये मैं तुहानूं जिम्मेदारी नाल कहना, पर उन्हां दे की होऊगा? जदों जट जिमीदार फसल लैके आउंदा ना, उहदा साह सुकदा भी कोई मौसम ना हो जाए, वह कहिंदा ते उत्थे बैठे हुंदे कई भी लै जी रुपया घटा दे, 2 रुपये घट दे लिया। ये एक एक फसल चक्की भी जानी है, पैसा तो क्योंकि आया पिया सेंटर सरकार वालों देना है, पर उहदे उत्ते काट आ जिहड़ी किसान दे वो लगनी है, जिहड़ी वो शुरू होई हुई है, तो होर लाउणगे। एक बहुत वड्डा इहनां दा हथकंडा है, एक सारे गैंग जिहड़े किसान लीडर पंजाब सरकार ते ये रल के इस वेले किसानां नूं लुट्टण लगे आ, क्योंकि इहनां दे खून लग गया मूँह नूं। दस दिए कि रमनीत बिटू के वालों सीधे तौर पर एक पासे पंजाब सरकार से इल्जाम लगाए गए हैं, तो दूसरे पासे किसान लीडर भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि सारे रले मिले ने, पर इसते पंजाब सरकार अते किसान लीडर की जवाब देंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
अरविंद केजरीवाल ते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अज जम्मू कश्मीर दे डोडा पहुंचे जिथे कि पार्टी दे आगुआं वल्लों उन्हां दा शानदार स्वागत किया गया। सीएम अते केजरीवाल डोडा दे विच स्पोर्ट्स स्टेडियम दे विच धन्नवाद रैली नूं संबोधन करन पहुंचे सन। दस दे कि इस मौके दे उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उत्थे दे लोकां दा धन्नवाद किया। अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान अज जम्मू कश्मीर दे डोडा पहुंचे। दस दिए कि अरविंद केजरीवाल दी यह रैली 10 अक्टूबर नूं होनी सी पर चोण जाब्ता कारण रैली नूं मुअत्तल कर दिता गया सी। 8 अक्टूबर नूं जम्मू कश्मीर विधानसभा चोणां दे नतीजे ऐलाने गए सन। इस विच पार्टी दे महराज मलिक ने जित दर्ज कीती है। दस दिए कि इस दे नाल ही आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो ने उन्हां नूं वीडियो कॉल ते वधाई दित्ती है। इत्थे ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपने विचार सांझे दोस्तों ये कोई आम बात नहीं है जो आप लोगों ने कर दिया। जो आप लोगों ने करिश्मा कर दिया ये कोई आम बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को आम बात लगती होगी लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा हिस्ट्री में आप लोगों का इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को जब पढ़ाया जाएगा पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि जम्मू कश्मीर में विकास की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी तब उसका सही उत्तर होगा सही जवाब होगा डोडा से 2024 में हुई थी। जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना मुझे मजाक करते थे पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है हमको भी मजाक करते थे सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे चुनकर आइए सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे चुनकर आइए भाई हम तो चुनकर आ गए अब तुम चुनकर आइए। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। आम आदमी पार्टी वालों महराज मलिक नूं टिकट दित्ती गई सी जदों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दे खालिद नजीब सुहारवादी इंडियन गठजोड़ वालों चोण मैदान दे विच सन अते भाजपा ने गजे सिंह राणा नूं मैदान दे विच उतारिया सी। पर इस मौके दे उत्ते अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जम्मू कश्मीर दे डोडा पहुंचदे ने जिथे कि उन्हां वालों लोकां दा धन्नवाद भी कीता जांदा। फिर रिपोर्ट जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू वरसा सिंह बलटोहा नूं श्री अकाल तख्त साहिब पेश होण दे हुकम दित्ते ने। उन्हां ने कहा कि बलटोहा 15 अक्टूबर नूं सवेरे 9 बजे सबूत लैके पेश होण। जानकारी दे मुताबिक जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने अज वरसा सिंह बलटोहा नूं मीडिया राहीं जथेदार साहिबान बारे जनतक रूप दे विच बीजेपी RSS वल्लों सुखबीर सिंह बादल विरुद्ध फैसला करन लई दबाव पाउण दे जिहड़े इल्जाम लगाए सन। जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू वरसा सिंह बलटोहा नूं श्री अकाल तख्त साहिब पेश होण दे हुकम दित्ते ने। उन्होंने कहा कि बलटोहा 15 अक्टूबर नूं सवेरे 9 बजे सबूत लैके पेश होण। जानकारी दे मुताबिक जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने अज वरसा सिंह बलटोहा नूं मीडिया राहीं जथेदार साहिबान बारे जनतक रूप दे विच बीजेपी RSS वल्लों सुखबीर सिंह बादल विरुद्ध फैसला करन लई दबाव पाउण दे लाए गए इल्जामां संबंधी सबूत मंगे ने। उत्थे इस संबंधी जथेदार वल्लों बलटोहा नूं 15 अक्टूबर नूं सवेरे 9 बजे श्री अकाल तख्त साहिब पेश होण दे आदेश दित्ते ने। इस मौके दे उत्ते होर जानकारी दे लई वरसा सिंह बलटोहा दी नाल गल्लबात कीती गई आ। उन्हां ने की कहा है आओ सुनते हैं। अज मुद्दा चल रहा सीगा कि बयान दिता गया सीगा कि जिहड़ा दबाव बनाया जा रहा थोनू पता नवा मुद्दा चल रहा कि बीजेपी ते RSS दा नाम लैके गल कही गई सीगी ते इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे। देखो मैं ते जो सच्चाई है सामने आई है जी समय सुनाई दी गल भी नहीं मेरा ते जथेदार साहिबान ने भी खुद सांझी कीती है जी। हांजी जी मैं ते हार के ये गल जिहड़ी आ संगत दे सामने रखी है संगत दे नाल साझी कीती है जी। आ हालात बनी पए ने और जिथे तक सुखबीर सिंह बादल दी गल जे उन्हें वग्या कीती है कुताही कीती है कोई मर्यादा दी उल्लंघना कीती है ते जो प्रावधान आ जो मर्यादा आ उहदे मुताबिक उहनूं सख्त तों सख्त सजा मिलनी चाहीदी है दित्ती जावे जी। हांजी पर तुसीं फैसला भी ना लो जी फैसला ना लैण पिछे लमकाई जाण पिछे
ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚਿੱਤੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਥੇਦਾਰੀ ਚਿਲੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲਟੋਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੇ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ।
ब्यूरो रिपोर्ट। पंजाब न्यूज़ बुलेटिन दे विच फिलहाल दे लई इना ही, मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।